मारवाड़ी कॉलेज के बीबीए डिपार्टमेंट के द्वारा एक फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। यहां पर छात्रों ने 2 साल बाद इस पार्टी का लुत्फ उठाया। वहीं शिक्षक का कहना था कि हम लोग छात्र के दोस्त बनके रहना चाहते हैं, उनके सारे समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग उनके साथ हैं। हम लोगों को बच्चों के सारे समस्याओं को सुनना चाहिए और गार्जियन के तौर पर उनकी देख रेख करना चाहिए। आज फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन मारवाड़ी कॉलेज बीबीए डिपार्टमेंट ने किया है, क्योंकि कोविड के कारण स्टार्टिंग में नहीं कर पाया था, लेकिन शुरू से ही ये कार्यक्रम करने में अपना अग्रणी भूमिका निभाता रहा है और टीचर्स का भी अच्छे तरीके से लोग वेलकम करते हैं। और इस बार जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ने कंबाइंड रूम से आयोजन किया है, क्योंकि कोविड के कारण नहीं हो पाया था। काफ़ी कोऑपरेशन रहता टीचर का भी इसमें और बच्चे अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। आपने कहा कि एक टीचर कुम्हार की तरह होते हैं, उस पर आप क्या कहिएगा? मैंने इसलिए कहा कि टीचर्स का रोल जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स के लाइफ में। कुम्हार की तरह इसलिए, तो कुम्हार देखिएगा कि मिट्टी को निकाल के बहुत सुंदर सुंदर शेप देते हैं, है ना, एक कंस्ट्रक्टिव शेप देते हैं जिसको देख के लोग बोलता है कि वाह कितना अच्छा बनाया है। उसी टाइप से हम लोग टीचर्स का भी यही रोल होता है स्टूडेंट्स के लाइफ में कि हम लोग बच्चों को एक अच्छा मतलब शिक्षा दे के, है ना। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि केवल पढ़ाई लिखाई करें, हम लोग का हर तरह का शिक्षा, जैसे कल्चरल एक्टिविटी हो गया, सोशल एक्टिविटी हो गया, है ना, और अच्छे जगह नौकरी करें, ठीक है ना, और समाज में अच्छा काम करें जिससे पता चले कि हाँ ये बच्चा मारवाड़ी कॉलेज से पढ़ के निकला है और पूरे समाज में अपना रोशनी फैला रहा है। जी, ये फ्रेशर्स पार्टी फर्स्ट ईयर के बच्चों और सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए हो रहा है, जो कि सेकेंड ईयर के ही बच्चों के साथ थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो सारे मिल करके ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आपस में फ्रेशर्स, और इसमें सारे लोग कंट्रीब्यूशंस कर करके आपस में हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं इस फ्रेशर्स को। इसमें ऑर्गेनाइजिंग टीम जो हम लोग मेम्बर बनाए हैं, जिसमें सेकेंड ईयर के आर्यन, तलीब, स्नेहा त्रिपाठी, निखत परवीन और अभी, ये सारे लोग सेकेंड ईयर से हैं। फ्रेशर्स को पहले 2 बार पोस्टपोन किया गया कोविड के कारण, उसके बाद हम लोग इस बार किस्मत से हम लोग इस बार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 2 साल के बाद आज फ्रेशर पार्टी हो रहा है, क्या कुछ? बहुत एक्साइटेड है और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी बाकी कुछ बाकी है तो हम लोग देखते हैं आगे, और काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं, इस बात की श्योरिटी पूरी है। हम लोग भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं, सब लोग मिलकर डांस करेंगे, सब लोग के लिए थोड़ा मोड़ा हम लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ प्रिपेयर किया गया है, जैसे कि गेम्स भी हैं जो सबके लिए हैं अगर, और फिर यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि मिस्टर फ्रेशर और मिसेस फ्रेशर्स कौन बनेंगे, और ग्रुप डांस हुआ है जूनियर्स का भी और हमारा भी सोलो है, बहुत सारे डांसेस हैं और गेम्स भी बहुत सारे। हम लोग के कॉलेज से टीचर्स, प्रिंसिपल ये सब इनवाइटेड, अभी आएंगे वो लोग भी हमारे कॉलेज से इस प्रोग्राम में। हमारे जो प्रिंसिपल हैं मनोज सर, उनको इनवाइट किया गया है, कुछ कारणवश वो नहीं आ पाए इस फ्रेशर्स में, लेकिन उनके जगह पे हमारे जो डिपार्टमेंट इंचार्ज है, प्रोफेसर इंचार्ज आर.आर. शर्मा सर, वो इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए हैं। हमारे जो प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर राकेश सर, सुमित सर और साथ में सीमा मैम, साथ में और भी जो हमारे टीचर है राजीव सर, वो सारे लोग इस प्रोग्राम में इनवाइटेड हैं और वो सारे लोग आएंगे अभी, और वो सारे लोग मिल करके मिस्टर फ्रेशर और मिस फ्रेशर डिसाइड करते हैं, और इसमें उनके हिसाब से जो मार्किंग किया जाता है उसके अनुसार हम लोग मिस्टर फ्रेशर और मिस फ्रेशर डिसाइड करते हैं, जिसमें उनका प्रॉपर देखा जाता है कि वो लोग का बोलने का टोन क्या है, वो लोग का बिहेवियर क्या है, पिछले पास्ट में वो लोग क्या वर्क किए हैं, तो बेसिकली एक आउटलुक देख करके उनको मिस्टर फ्रेशर और मिस फ्रेशर का टैग दिया जाता है, जिसमें हमारे कॉलेज के टीचर्स ही और हमारे डिपार्टमेंट बीबीए डिपार्टमेंट के टीचर्स ही इसमें मार्किंग करते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।